भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ इलाका मेंढर, जहां पर भारतीय सेना की मिंबर गली ब्रिगेड की तरफ से एक युवाओं के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। आज इस इवेंट में 25 डिप यानी ए सब स्पेस कर्नर के जीओसी यहां पर मौजूद थे। तमाम जितने भी भारतीय सेना के अन्य अधिकारी थे वो इस इवेंट में जो है उपस्थित थे। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर उन युवाओं के लिए था, जो युवा अक्सर जो है जिन्हें एक मंच प्रोवाइड नहीं होता, उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनकी प्रतिभा को, उनकी देशभक्ति को देखते हुए, उसे उजागर करते हुए भारतीय सेना की मेंढर बटालियन ने जो है ये कार्यक्रम करवाया, जिसके तहत कई कार्यक्रम हुए। पिछले 10 दिन से लगातार जो है वो कार्यक्रम चल रहे, चाहे मिनी मैराथन हो, कबड्डी के मैच हो, वेट लिफ्टिंग का कार्यक्रम हो या फिर खो खो, इसके साथ तमाम जितने भी वॉलीबॉल के इवेंट है वो भारतीय सेना ने कराए। और आज तमाम उन युवाओं को, उन बच्चों को फेलिसिटेट किया गया जिन बच्चों ने उन कार्यक्रम के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाई और अपने जो है जिन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय सेना के अधिकारियों की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया, साथ में मेंढर सब डिवीजन के अंदर से जो अचीवर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई कार्यक्रम में हिस्सा लिया हो या फिर वहां पर उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया हो, उन्हें भी फेलिसिटेट किया गया। तमाम सिविल प्रशासन, भारतीय सेना और अवाम, एक्स सर्विसमैन, जितने भी लोग थे यहां पर उपस्थित थे। इसके साथ में आज के इस कार्यक्रम में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट स्किल के जो है वो इवेंट के जो स्टॉल्स भी लगाए गए, ताकि जो जानकारी है, जो भी भारत सरकार की स्कीमें चल रही हैं कि किस तरीके से लाभ लेना है, तमाम उनके प्रति भी वहां पर जो है वो जानकारियां दी गई। स्कूली बच्चों ने यहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तमाम जितने भी बड़े अधिकारी थे वो यहां उपस्थित थे। देश की सेना पर जो है वो फख्र है, इसको लेकर आज ये इवेंट जो है वो करवाया गया। इस इवेंट में काफ़ी खासा उत्साह मेंढर की आवाम में देखने को मिला और उनकी यही डिमांड थी कि इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो और करवाए जाए, ताकि यहाँ का युवा आगे बढ़ सके, क्योंकि बच्चों के अंदर एक प्रतिभा जो है वो छुपी हुई है, जिसको भारतीय सेना ने निखारा है, उनकी प्रतिभा को देखा है। तमाम पुंछ, जम्मू और अन्य हिस्सों से भी आर्टिस्ट जो आए हैं उन्होंने यहाँ पर स्टेज परफॉर्म किया है और तमाम जितने भी बड़े जो है वो इवेंट थे वो इस कार्यक्रम के दौरान किए गए। और साफ तौर पर एक ही संदेश दिया गया कि युवाओं को नशे से कैसे दूर रखना है, नशे से हटकर वो किस तरीके से अपनी प्रतिभा के जरिए जो है अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, वो आज साफ तौर पर देखने को मिला। भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर तमाम जो डॉग शो थे वो भी दिखाए गए, ताकि देश की सेना की प्रतिभा का जो एक सेना का जो हुनर है, सीमाओं पर जो सेना तैनात है वो किस तरीके से अपनी सेवाएं निभाती है और आवाम के साथ उसका जो सहयोग है वो किस प्रकार से है, ये तमाम सभी चीज़ों को आज दर्शाया गया, जो कि आप तस्वीरों में जो है वो देख रहे हैं। अब आखिर में आप सुनिएगा कि इस इवेंट के दौरान क्या कुछ जो बच्चे थे उन्होंने कहा और क्या कुछ जो है उन अधिकारियों ने कहा, ये अब आपको दिखाते हैं। जो इवेंट चल रहा है एक बॉर्डर एरिया में, क्या कहेंगे? जी, माई सेल्फ ताइबा खानम एंड आई एम द एलुमनाई ऑफ जीडीसी मेंढर। तो टुडे वी आर इन ओपी हिल स्टेडियम, तो यहाँ पर एक मेंढर फेस्ट 2024 का उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, उसका आज इनका किया गया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मेंढर फेस्ट 2024 हुआ है, ये इस चीज़ की गवाही है कि हमारे जो सेना है वो सिर्फ बॉर्डर पर ही हमारी हिफाजत नहीं कर रही, बल्कि लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दे कर, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे कर लोगों को अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने की एक उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी मेंढर के यूथ्स हैं उसमें उन्होंने इस मेंढर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है पूरी तरह से अपनी, विद फुल एंथुसिज्म, विद फुल ज़ील एंड ज़ेस्ट उन्होंने अपना पूरा टैलेंट को एक्सप्लोर किया है। वो इस मेंढर फेस्ट में डिफरेंट टाइप्स की गेम्स थी, लाइक दैट वो वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी, स्टोन लिफ्टिंग एंड व्हाटसोएवर। तो उसमें मेंढर के हर एक यूथ ने बढ़ चढ़ कर, हर एक इंस्टीट्यूशन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज उनकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है यहाँ पर। तो मैं आपके बताती चलूँ कि आर्मी वाले, जो इंडियन आर्मी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स देती है, तो ये यूथ को एक तो अपना जो फिज़िकली और मेंटली फिट रहने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और दूसरी चीज़ के जो ड्रग्स का आजकल नार्को टेररिज्म चल रहा है, तो उसमें ये यूथ को उस चीज़ से दूर रखने के लिए, ड्रग्स जितने भी टाइप के ड्रग्स हैं तो उसको दूर रखने के लिए एक अच्छा एक स्टेप लिया है इंडियन आर्मी में। तो लास्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली ग्रेटफुल टू इंडियन आर्मी के वो इस तरह से लोगों को बॉर्डर एरिया में, क्योंकि मेंढर तो ये बेसिकली काफ़ी फार फ्लंग रिमोट एरिया है, तो इसमें ऐसे यहाँ से तो
मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ से कहीं बाहर जाकर कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कुछ, तो यहाँ पर अगर वो अपने घर आके लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मैं अवेयर करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप करें और ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें ताकि अपने आप को आप इस तरह की ड्रग्स हो गए या जिस तरह की जो भी डिजीज़ हैं लाइक दैट वो कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है उनसे दूर रख सकें। और लास्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली थैंकफुल टू इंडियन आर्मी फॉर गिविंग अ सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ फेस्ट। थैंक यू। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है इंडियन आर्मी ने मेंडर फेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराया है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हुए जैसे खो खो, कबड्डी, मैराथन वगैरह, ये सब इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराएं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, वो अपने आप को आगे और रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोगों को एक मोटिवेशन मिलती है कि वो अपने आप में जो उनमें क्वालिटीज़ हैं वो रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि हर एक इवेंट में अलग अलग विनर्स हैं जो उनको भी यहाँ पर आज फैसिलिटेट करेंगे, और जो मेंडर के अचीवर्स हैं उनको आज स्पेशली बुलाया है यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए इंडियन आर्मी के थ्रू। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हर बच्चे को मोटिवेशन मिलती है कि वो अपने आप को आगे और लेके जाएं, अपने गांव के नाम जो है जहाँ जहाँ से वो लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे बताएं कि वो किस एरिया से, कैसा उनका बैकग्राउंड है, तो वो आज यहाँ पे अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। और स्पेशल थैंक्स है इंडियन आर्मी का जो कि हर साल यहाँ पे ऐसी इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराते हैं और बच्चे जो हैं ज़्यादा मोटिवेट होते हैं खुद को, अपने आप को, वो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो लोग अपनी क्वालिटीज़ बाहर ला सकते हैं। तो इंडियन आर्मी का थैंक्स है। और सर बताएं आज के इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? सर आज जो यहाँ पे इवेंट यहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले मैं 120 ब्रिगेड बिम्बर वैली का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं CO 18 कमाऊँ का, जिन्होंने पिछले 10-15 दिन से यहाँ पे ये प्रोग्राम चला के रखा था स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए, ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ में उनका रुझान बन सके और गलत ट्रैक पे वो ना जाएं। स्पोर्ट्स में तरह तरह की गेम यहाँ पे करवाई गई, यहाँ पे मिनी मैराथन भी करवाया गया, वॉलीबॉल भी करवाया गया, खो खो भी करवाया गया, और यहाँ पे जो लोकल ट्रेडिशन है जहाँ जो एक पत्थर उठाया जाता है वो 100 kg 150 kg तक यहाँ के लोगों ने वो उठाया है। तो मैं यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ, इंडियन आर्मी का तमाम एक्स सर्विसमैन की तरफ से और आप मीडिया हजरात की तरफ से ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अदा किया, और मैं आइंदा के लिए भी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे जिससे कि हमारे बच्चे कुछ सीख सकें और आगे इंडियन आर्मी में जाने के लिए उनका मन बना रहे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है, मैं पुंछ कैंपस जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है वहाँ पे एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ। आज इंडियन आर्मी का यहाँ पे एक मेंडर फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है 2024 का, जिसका मेन मैं कहूँगी ऑब्जेक्टिव है यहाँ की यूथ को इंडल्ज करना और यहाँ के जितनी भी इनोवेशन हमारे तहसील के अंदर में हो रही है उसको एग्जिबिट करना एक एग्जिबिशन फॉर्म में। तो हम लोग भी अपना, जैसे मेरा एक इनिशिएटिव था कोकून आर्टिस्ट्री का, उसी के हिसाब से मुझे भी इनविटेशन आया, तो मैं भी यहाँ पे एक अपना स्टॉल एग्जिबिट कर रहे हैं। जो उस एग्जिबिशन के बीच में हमारे जो स्टॉल है उसके बीच में कुछ मटेरियल है, कुछ रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, पंचग्रान एक स्कूल है वहाँ पे, और उस स्कूल में जो हमने मटेरियल बनाया था वो भी यहाँ पे एग्जिबिशन में लगाया गया है और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे हैं। तो ये जो इंडियन आर्मी का ये इस तरीके का इनिशिएटिव है मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट है। आने वाले टाइम पे ऐसे और इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाएँ सो दैट हमारा जितना भी यूथ है जो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसको अपनी करेज का पता चले, उसको अपना मेन पता चले कि हमें किस तरीके से फील्ड में काम करना है और किस तरीके से लोग मैक्सिमम यहाँ पे इंडल्ज हो रहे हैं, अदर लोगों के साथ में एसोसिएशन हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, बच्चे मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके के इवेंट बहुत अच्छे हैं और हमारे तहसील को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के इवेंट और ऑर्गेनाइज करने चाहिए। इंडियन आर्मी को कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से और इंटायर हमारी टीम की तरफ से, सो दैट आने वाले टाइम पे और ज़्यादा फ्रूटफुल इस तरीके के इवेंट किए जाएँ और रिजल्ट अच्छे दिए जाएँ। अगर हम दुनिया की फ़ौज जो है, पूरे विश्व की सेना जो है, अगर हम उस पर नज़र डालें तो हिंदुस्तानी फ़ौज दुनिया की वाहिद एक ऐसी फ़ौज, भारतीय सेना एकमात्र ऐसी सेना जो अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अपने आवाम के लिए सद्भावना कार्यक्रम चला करके उनके दुख सुख में शरीक हो रही है। तो आज का ये कार्यक्रम भी ऑपरेशन सद्भावना के तहत था, मेंडर फेस्टिवल 2024, जो बिल्कुल तहसील मेंडर के हद मुतारका यानी NLOC पर जिसका इनाकाद और आयोजन यहाँ पर किया गया। 15 दिनों से इस सिलसिले में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे थे, स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ, उनमें खेल मुकाबले कराए गए, गायकी के मुकाबले करवाए गए। तो आज 15 दिनों से चल रही गतिविधियाँ अपने इख्तिताम पर और अपने अंजाम पर पहुँची। GOC 25 इन्फेंट्री डिवीज़न जनरल कौशिक मुखर्जी आए हुए।
ये तो हम सब जानते हैं कि मेंढर जो है नियंत्रण रेखा के बहुत पास है और यहाँ की जो चुनौतियां हैं वो भी एक अद्वितीय किस्म की चुनौतियां हैं और इसके बारे में हम सब जानते हैं। ये चुनौतियां क्यों हैं ये भी हम जानते हैं और ये चुनौतियां क्या हैं ये भी हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आप सब पिछले इतने सालों से किस साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम सब एस ऑफ स्पेड डिवीजन के नुमाइंदे होने के वास्ते इस बात का आश्वासन देता हूं कि भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर और पुंछ मेंढर रजौरी नौशेरा के नागरिक यहाँ का नागरिक प्रशासन और हम सब मिलकर इस बेहतरीन और ब्यूटीफुल कंट्री साइड का आज तक हम इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा लगे रहे हैं इसके ऊपर प्रयास पे लगे रहेंगे और इस चीज में हम कभी चूक नहीं होने देंगे। इस संदर्भ में मेंढर उत्सव का उद्देश्य एकता को बढ़ावा देना व कुछ कर गुजरने का एक साधन था। यहां पर हम रोजगार संबंधी जागरूकता रोजगार और स्वरोजगार चलाए जाने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराना सामुदायिक रिश्तों को मजबूत करना तथा स्थानीय लोगों और भारतीय सेना के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के एक इरादे के साथ हमने इस मेंढर फेस्ट का परिचालन किया था। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आप सबको कुछ न कुछ तरीके से किसी न किसी तरीके से फायदेमंद रही होगी। और ये था आज का पूरा कार्यक्रम और कार्यक्रम के दौरान की आपने झलकियाँ देखी जो कि काफ़ी उत्साह देखने को मिला और आज ये कार्यक्रम जो है वो समाप्त हुआ। पिछले 10 दिन से चल रहा था और इसमें भारतीय सेना ने उन तमाम बच्चों को जो है वो सम्मानित किया जिसका उदाहरण जो है वो आज साफ तौर पर देखने को मिला। मेरे सहयोगी रजत के साथ राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी।